एक मेष लग्न की पत्रिका बनाइए, उसमें आप मंगल को दसवें भाव में लिख लीजिए, ठीक है। हाँ तो मंगल दसवें भाव में है तो क्या करेगा? दसवां भाव क्या है? ऊर्जा है, ठीक है। आप अपने प्रोफेशन में, या फिर मैं कहूँ तो आप अपने ऑफिस में, या फिर आप अपने बिजनेस में, जहाँ आप अपने कार्यालय ऑफिस में कहीं बैठते हो वहां, या अपने पूरे कर्म में आप क्या रहोगे? फुर्तीले रहोगे आप, एनर्जेटिक रहोगे आप, ऊर्जावान रहोगे, ठीक है। मंगल की जहाँ दृष्टियां जा रही है, मंगल की चौथी दृष्टि, तो मंगल की चौथी दृष्टि है जो वो यहाँ यहाँ से कहाँ जाएगी? वो सीधा लग्न पे जाएगी, ठीक है। तो यह मंगल आपको भी ऊर्जावान बना रहा है, समझ गए ना? आपको भी क्या कर रहा है? ऊर्जावान बना रहा है, आपको भी यहाँ बेहतर बना रहा है। परंतु यही मंगल के साथ यदि राहु बैठ जाए, यही मंगल के साथ यदि राहु बैठ जाए तो क्या करेगा? तो ऊर्जा तो देगा, परंतु कहाँ दे देगा? झगड़े में। आपके पास एनर्जी रहेगी, परंतु आप उस एनर्जी को कहाँ लगाओगे? आप झगड़ा करोगे वहां, उस एनर्जी को आप लगा लोगे, ठीक है। ये कुंडली आप लोग देख रहे हैं, मार्स यहाँ है, तो मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ जा रही है? एक चौथे पे जा रही है, लग्न पे जा रही है, और एक पांचवे पे जा रही है। तो यहाँ यदि मंगल अकेला बैठा हो, मंगल के साथ और कोई ग्रह नहीं है, देख लीजिएगा, कोई भी ग्रह, जैसे एक और कुंडली इसके साथ बना लीजिए, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। एक और कुंडली यही रहेगी, मेष लग्न की ही रहेगी, और मंगल बैठे हैं दसवें भाव में, परंतु उसमें मंगल के साथ राहु को लिख दीजिए, और एक कुंडली ए और एक कुंडली बी कर दीजिए, ठीक है। एक जो है वो कुंडली ए हो जाएगा, एक कुंडली बी। तो कुंडली ए में मंगल क्या कर रहा है? आपको ऊर्जा दे रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है, और आपकी चीजों को बेहतर कर रहा है, ठीक है। यही यही जो मंगल है कुंडली बी में राहु के साथ है, तो यहाँ पे आप प्रेडिक्शन क्या करेंगे कि ऊर्जा तो है लेकिन कहाँ है? आप हाइट कर रहे हो, आप बहुत जल्द गुस्से में आ जा रहे हो, तो यहाँ मंगल क्या है? पीड़ित है, तो यहाँ समस्या दे रहा है। जैसे आपने सुना होगा कोई भी ग्रह 6, 8, 12 भाव में जाता है तो वो खराब हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है। तो ऐसे खराब नहीं होता है जब तक वो अशुभ ग्रहों के साथ युति में ना आ जाए, या फिर कोई अशुभ ग्रह की उस ग्रह पे दृष्टि ना पड़ जाए, तब तक वो अच्छा है। मंगल यहाँ दस में है तो बहुत अच्छा है, आप अपने काम को बहुत अच्छे से करोगे, बहुत एनर्जी के साथ करोगे, परंतु वही मंगल के साथ कुंडली भी में आप क्या देख रहे हो? राहु आ गया, तो यहाँ पे आपको समस्या मिल जाएगी। क्या समस्या मिलेगी? आपके काम में झगड़े होंगे, क्योंकि राहु वहां मंगल को पीड़ित कर रहा है, मंगल को इफ्लेक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? राहु कर रहा है। उसके साथ क्या आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा, क्योंकि मंगल स्वस्थ ही रहा, मंगल देख कहाँ रहा है? लग्न को देख रहा है। तो यहाँ पे मंगल इन सब चीजों को, साथ में आपके बुद्धि पे भी उसका जो है वो प्रभाव जा रहा है, आपके संतान पे भी उसका प्रभाव जा रहा है, क्योंकि दसवीं जब मंगल होगा तो मंगल की जो आठवीं दृष्टि है वो वहां जा रही है, ठीक है, समझ रहे हैं? एक और कुंडली बना लीजिए, दो कुंडलियां ही बनाइए, दो चार कुंडली आज हम लेंगे इसके, और इसमें ही चर्चा करेंगे कि कैसे हम ग्रहों को प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे ग्रहों से हम प्रेडिक्शन को निकालते हैं।
ठीक है, एक और कुंडली बनाइए, वो वृश्चिक लग्न की बनाइएगा। वृश्चिक लग्न की एक कुंडली है, एक कुंडली भी, कुंडली में आप लिखेंगे मंगल और बुध आठवें भाव में, अष्टम भाव में आप लिखेंगे मंगल और बुध को, और दूसरी जो कुंडली बी होगी उसमें आप मंगल और राहु को आठवें में लिखेंगे। क्योंकि जब हम कुंडली देखते हैं तो बार बार चलते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, तो उसे डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, उसे डिफरेंशिएट डिफरेंट प्रकार से उसे समझने के लिए, तो उसे हम कैसे समझ पाएंगे, तो उसे समझने के लिए हमें ऐसे ही लेना होगा, उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें समझना होगा। ठीक है, तो कुंडली ए आपने तैयार कर ली और कुंडली बी तैयार कर ली। कुंडली ए में आपने लिखा मंगल और बुध को, और ठीक है, कुंडली ए में लिखा आपने मंगल और बुध को, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, आठ आठ लग्न की कुंडली है, हम यहाँ पे उस कुंडली को बना दे रहे हैं, आप अच्छे से उसे कर लेंगे। ये देखिए आठवीं लग्न की कुंडली है, और आठ आठवें भाव में एक हाउस में मार्स और राहु कुंडली बी में, और कुंडली ए में मंगल और बुध है। ठीक है, तो जहां मंगल और बुध बैठे हैं और जहां मंगल और राहु बैठे हैं, दोनों में से ज्यादा पीड़ा, क्योंकि आठवां भाव पीड़ा का स्थान है, ज्यादा पीड़ा किसे मिलेगा, तो हम देखेंगे ज्यादा पीड़ा जो है ना वो किसे मिल रहा है, तो मंगल राहु जिसके कुंडली में आठवें भाव में है उसे ज्यादा पीड़ा मिल रही है, ज्यादा परेशानियां मिल रही है, ना कि जिसके कुंडली में मंगल और बुध हैं। जिसके कुंडली में मंगल और बुध हैं वो क्या करेगा, वो रिसर्च में होगा क्योंकि बुध है वहां, वो टैक्स के कामों में हो सकता है, वो इन सब चीजों में काम करेगा। ठीक है, लेकिन जिसका मंगल और राहु है उसका तो भाई कल्याण है, उसका तो फिर कल्याण है, क्यों कल्याण है, क्योंकि वहां मंगल राहु बैठा है, वहां पीड़ित अवस्था पीड़ित कर देगा। पीड़ित कहाँ कर रहा है, मंगल को कर रहा है, साथ में आगे भाव कर रहा है, जो मैलेफिक प्लैनेट है, शनि है, राहु है, केतु है, इनके साथ कोई भी ग्रह बैठ जाए, अर्थात तो एक ग्रह पीड़ित अवस्था में आ जाए तो आपको समस्या देते हैं, ना कि ये 6 में बैठ जाए या 8 में बैठ जाए या 12 में बैठ जाए तो आपको समस्या देंगे। ठीक है, अब इसी कुंडली में इसी कुंडली में आप देख लीजिए, 1 मिनट, मंगल यहाँ लग्न में है, ठीक है, और लग्न से मंगल की दृष्टि कहाँ जा रही है, चौथे पे जा रही है, आठवें पे जा रही है, तो मंगल यहाँ क्या दे रहे हैं, चौथे भाव को देख रहे हैं, आठवें भाव को देख रहे हैं। चौथे में आपके घर में यदि आप वास्तु का काम कर रहे हो, उसमें आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, उसमें आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। आप जैसे एक शब्द मैंने कहा था, मंगल को जब हम डिफाइन कर रहे थे उस वक्त, एक प्रश्न ये था, एंगर एनर्जी मैनेजमेंट, एंगर और एनर्जी मैनेजमेंट, यदि आप एंगर और एनर्जी को मैनेज कर लेते हैं तो आपका मंगल ठीक है, तो वहां मंगल आपको समस्या नहीं दे रहा है, और यदि आपने एंगर और एनर्जी को मैनेज नहीं किया तो वहां आप समस्या देख रहे हो अपने जीवन में। तो यहाँ मंगल तो अकेले बैठा है, तो अकेले बैठा है तो यहाँ आठवें भाव को भी अपनी ऊर्जा दे रहा है और साथ में चौथे भाव को भी दे रहा है, तो यहाँ मंगल बहुत अच्छा है। यदि यही मंगल के पास में शनि आ जाए तो यहाँ क्या होगा, लग्नों को भी खराब करेगा और साथ में चौथे को भी खराब करेगा और आठवें को भी खराब करेगा, क्योंकि यदि साथ में बैठ गया युति, यदि साथ में बैठ गया कोई भी प्लैनेट किसी भी प्लैनेट के साथ, तो एक एक सोल में आ गए, एक आत्मा में आ गए, उन दोनों की जो राशियां है वो एक है,
एक ही आत्मा में दोनों आ गए हैं। जब युति को हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें और होती हैं, परंतु अभी इसे समझिए आप कि एक आत्मा में यदि दो ग्रह हैं तो दोनों जो भी रिएक्ट करेंगे तो एक दूसरे के साथ करेंगे, वो अच्छा करे या खराब करे। ठीक है, एक और कुंडली बनाइए सिंह लग्न की ही। उसमें फिफ्थ हाउस में राहु और शनि को लिख दीजिए। सिंह लग्न की एक और कुंडली बनाइए, उसमें पांचवें भाव में राहु और शनि को लिख दीजिए। अभी इस कुंडली में आप देखिए, एक कुंडली भी बनाइए। कुंडली ये तो तैयार हो गई जो पांचवे लग्न की है, और उसमें हमने क्या क्या किया है, उसमें हमने क्या किया है, वहां पे राहु और शनि को फिफ्थ हाउस में हमने रखा है। तीन लग्न की कुंडली और फिफ्थ हाउस में राहु और शनि है। एक कुंडली बी बनाइए, उसमें आप लिखिए, वो भी सिंह लग्न की होगी और उसमें फिफ्थ हाउस में पांचवे भाव में दो ग्रह आपके होंगे, बुध और शुक्र। कुंडली ए में शनि और राहु, कुंडली बी में बुध और शुक्र। अब यहाँ आप डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों में और मुझे आप मैसेज में बताएंगे, ठीक है, कौन सा जातक जो है या कौन सा व्यक्ति है जिसका बुद्धि बहुत अच्छा काम करेगा, जिसकी सद्बुद्धि होगी दुर्बुद्धि नहीं होगी। तो यहाँ पे जिसका बुध और शुक्र है वो उसके पास सद्बुद्धि होगी, क्योंकि ये प्लैनेट जो है वो मैलिफिक नहीं है, बेनिफिक प्लैनेट है। ठीक है, दूसरा, हाँ सद्बुद्धि उनके पास होगी। दूसरा जो है वो आपको देखने को मिलेगा, दूसरा जिसका पांचवें भाव में शनि और राहु है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि भाई दोनों प्लैनेट क्या है, मेलिफिक प्लैनेट है, और मेलिफिक प्लैनेट होने के कारण यहाँ समस्या दोनों के दोनों क्रिएट कर रहे हैं। के दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी बुद्धि पे समस्या देंगे, उसके संतान पे समस्या देंगे। ठीक है, ये तो है आपका मेलिफिक और बेनिफिक प्लैनेट के बारे में। ठीक है, और उसके साथ में हम मंगल को भी लेके चल रहे हैं, ऐसे डिफरेंशिएट करना है। और वैसे जैसे मंगल पे हम बात कर रहे थे, तो मंगल दसवें में बैठेगा तो क्या करेगा, यदि अच्छा मंगल है, अच्छा मंगल है तो अपने काम में उसे एनर्जी होगा, बहुत अच्छा करेगा। यदि वहां खराब मंगल है तो झगड़े करेगा। जैसे दशम भाव क्या है, प्रशासनिक कार्य है, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो दशम भाव है, तो जब भी वो प्रशासनिक कार्य को करेगा तो वहां क्या देखने को मिलेंगी, वहां यह देखने को आपको मिलेगा कि वह व्यक्ति अग्रेसिव हो जाएगा। जब भी कोई प्रशासनिक कार्य को करेगा तो वहां पर वह व्यक्ति अग्रेसिव हो जाएगा। अब मान लीजिए सप्तम भाव में मंगल है, तो यहां बैठा मंगल झगड़े तो कराएगा, परंतु साथ ही यहाँ गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। ठीक है, अब यहाँ साथ में मंगल के सेवेंथ हाउस में है, परंतु वहां गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो वहां हम कैसे इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ हम डिफ्रेंशिएट इसे यह करेंगे कि भाई गुरु की जब दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ चीजें ठीक हैं, ज्यादा यहाँ पे समस्या नहीं है। क्यों समस्या नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ गई। जैसा गुरु के बारे में हम लोगों ने बात किया था पिछली क्लास में, तो गुरु क्या है, अच्छे ग्रह है ना, बेनिफिक है, और जब जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ती है उस ग्रह को वो ठीक करते हैं, तो इसलिए जब गुरु की दृष्टि पड़ी है तो वो अच्छा हो जाएगा, वहां वहां चीजें खराब हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है,
हाँ झगड़े तो होंगे परंतु उतना बड़ा झगड़ा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा क्योंकि गुरु की दृष्टि भी वहां पड़ रही है। जब हम कुंडली को देखेंगे तो कुंडली को ऐसे ही देखेंगे, ठीक है, सिर्फ अकेले मंगल को सातवें भाव में बैठा देखकर हम यह नहीं कह देंगे, क्योंकि मंगल भी बेनी ए मैरिफिक प्लैनेट है। तो हम सिर्फ मंगल को अकेले देख के ना बोल देंगे कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे बहुत झगड़े होंगे, ये होंगे वो होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ हम यह बोल सकते हैं कि झगड़े तो होंगे परंतु वहां संभाल लेगा। कौन संभालेगा? गुरु वहां संभाल लेगा। जो आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं उससे हम 10 मिनट समय ले लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? अभी जो लेक्चर है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब जैसे जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, नैसर्गिक अशुभ ग्रह आप लोग सभी को पता है, शनि है, सूर्य है, शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है, और साथ में क्रूर क्रूर ग्रह लेते हैं। क्रूर ग्रह किसे लेते हैं? सूर्य को लेते हैं, ठीक है। अब इसी कुंडली में, जिस कुंडली पे हम बात कर रहे हैं, सेवेंथ हाउस में मंगल है, वहां मंगल के साथ सूर्य आ गया। तो सूर्य क्या है? सूर्य ईगो है। अब जहां ईगो आ जाएगा वहां चीजें क्या होंगी? वहां आपको समस्या देखने को मिलेगा निश्चित, क्योंकि यदि आप पार्टनर के साथ ईगो के साथ आ गए, आपने ईगो को ले आया अपने अपने पास में, तो वहां पे चीजें क्या हो गई? वहां पे फिर समस्या आपको देखने को मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि वहां सूर्य आ गया मंगल के साथ में, तो सूर्य ने मंगल को क्या दिया? ईगो दिया, ठीक है। अब वहां मंगल के साथ सूर्य ना आकर मंगल के साथ शनि आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा? मंगल और शनि क्या, शनि क्या डिसिप्लिन है। अब आप का जो पार्टनर होगा वो कहेगा डिसिप्लिन के साथ रहो। डिसिप्लिन अर्थात आपको पता ही नहीं कि डिसिप्लिन होता क्या है, फिर समस्या, ठीक है। तो ऐसे जो युति होती है या फिर जो ग्रह होते हैं वो ऐसे काम करते हैं। तो पहले तो हम समझे कि कौन सा ग्रह बैठा है जो काम कर रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद हम समझें। मान लीजिए मंगल राहु है तो फिर मंगल राहु है तो क्या करेगा? तो राहु क्या है? राहु अपरंपरागत है, अनऑर्थोडॉक्स है। और उसके साथ में हम राहु क्या है? राहु आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। तो मंगल राहु आ जाएगा तो वहां फिर समस्या है भाई, कि आप कहोगे कि चलो थोड़ा कहीं घूम आते हैं, वो कहेगा मैं मंदिर जाऊंगा। आप कहोगे चलो थोड़ा मंदिर चलते हैं, वो बोलेगा मैं फिल्म देखूंगा। आप जो कहोगे आपसे उल्टा, क्योंकि आप परंपरागत तरीका बिल्कुल आपसे विपरीत, समझ रहे हो, ठीक है। और वैसे ही दो कुंडली आप बना लो, कुंडली ए और कुंडली बी। ये जो कुंडली होगी भाभी सिंह लग्न की होगी, पांचवी लग्न की कुंडली होगी, कुंडली ए और कुंडली बी बना लीजिए। बन गया, कुंडली ए में लिख लीजिए सूर्य और बृहस्पति छठे भाव में, और कुंडली बी में लिख लीजिए सूर्य और शनि छठे भाव में। सिक्स हाउस में सूर्य और बृहस्पति कुंडली ए में, और कुंडली बी में सूर्य और शनि। अब हेल्थ की समस्या दोनों में से किसे होगी? हेल्थ की जो समस्या है वो दोनों में से किसे होगी, कुंडली ए वालों वाले को या कुंडली बी वाले को? अब वो कुंडली ए में जो है वो तो सूर्य और बृहस्पति हैं, तो वहां तो समस्या होगी नहीं क्योंकि बृहस्पति वहां बैठे हैं। अब कुंडली बी में सूर्य और शनि है, तो यहाँ शनि होने के कारण समस्या यहाँ होगा, ठीक है ना। यहाँ शनि के होने के कारण समस्या आपको देखने को मिलेगा। एक रूल लिख लीजिए,
इसलिए मैं इसे आपको लिखा रहा हूं कि आपने सुना होगा, क्योंकि ज्योतिष ऐसा विषय है ना, इसपे बहुत सूत्र लगते हैं, जिससे बहुत बहुत अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ता है इसे। जब भी आप कोई ग्रह देखते हैं 6, 8 या 12 में, तो आप क्या बोलते हैं या हम क्या बोलते हैं कि वो पीड़ित हो जाता है। पीड़ित हो जाता है इन द सेंस कि भाई वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसकी चीजें जो है वो ठीक नहीं चल रही है। ऐसा नहीं है, जब तक उस ग्रह के साथ कोई मैलेफिक प्लानेट का संबंध उस घर या उस ग्रह से ना बन जाए, तब तक वो पीड़ित अवस्था में नहीं आएगा। मतलब जैसे कुंडली ए जो आपने बनाई, उसमें भी सूर्य छठे में है, और कुंडली में बी में भी सूर्य छठे में है, परंतु कुंडली ए में सूर्य और बृहस्पति साथ में है, और कुंडली बी में सूर्य और शनि साथ में है। जिसमें सूर्य और शनि साथ में है, उस कुंडली में क्या है, पाप ग्रह जो है वो सूर्य के साथ बैठ गए हैं, इसलिए ज्यादा समस्या क्रिएट हो रहा है। और कुंडली ए में है कि सूर्य और के साथ पुण्य ग्रह है, कौन है, बृहस्पति है, जिससे यहाँ समस्या नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे मन और बुद्धि, क्या मैं पुनः पुनः दोहरा रहा हूं इसे, मन और बुद्धि, एक हमारा मन होता है, एक हमारी बुद्धि होती है। मन को हम कहाँ से देखते हैं, चौथे भाव से देखते हैं, और बुद्धि कहाँ से देखते हैं, पांचवे भाव से देखते हैं। ठीक है, जब मन से हम काम करते हैं, मन जब मन की बात जब आती है तो चौथा भाव, बुद्धि की जब आती है तो पांचवा भाव। सीधे आप लोग एक कुंडली बना लीजिए, सी लग्न की एक कुंडली बनाइए सी लग्न की, और उसमें चौथे भाव में आप बृहस्पति को लिख दीजिए, और पांचवे भाव में आप शनि को लिख दीजिए। फोर्थ हाउस में बृहस्पति और फिफ्थ हाउस में शनि बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पांचवे में बृहस्पति है, चौथे में शनि या राहु, मैंने जो भी लिखवाया है। अब यहाँ जब मैलेफिक प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठा है, तो यहाँ क्या दे रहा है, वो आपके मन को क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है, आपके मन को खराब कर रहा है। तो यहाँ मन आपका क्या हो गया, खराब हो गया मन। यहाँ अच्छे से जो मन की शांति होनी चाहिए, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, वो नहीं है आपके पास। वही उसी स्थान पे यदि हम बुद्धि की बात करें, तो वहां कौन, बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति क्या है, पुण्य ग्रह है, बेनिफिक प्लैनेट है, तो वो क्या करेगा, आपकी बुद्धि को बेटर कर रहा है, बुद्धि को अच्छा कर रहा है, बुद्धि वहां पे आपकी ठीक काम करेगी, वहां आपको सद्बुद्धि मिलेगी, ना कि दुर्बुद्धि मिलेगी। ठीक है, अब इसे आप पलट दीजिए, बृहस्पति को चौथे में कर दीजिए और राहु या शनि जो है उन्हें पांचवे में कर दीजिए। ठीक, अब यहां आपको देखने को मिलेगा इस कुंडली में, अब इस व्यक्ति की जो स्थिति है, वो तो बुद्धि की स्थिति क्या हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि जो है वो दुर्बुद्धि में चली गई, बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है, परंतु इसका मन बहुत अच्छा है, मन बहुत स्थिर है, इसका जो पीस ऑफ माइंड है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम यहाँ यह भी कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के घर का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है, और इसकी इसकी जो संतान है वो कुछ अच्छे नहीं है, वो कुछ खास नहीं है। हम यहाँ यह भी कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि वहां
पांचवे में जो है वो राहु शनि गया है और चौथे में बृहस्पति है, ऐसे काम करता है। मैं दोनों को इंटरलिंक करके समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि आप चीजों को समझ सकते हो कि भाई मंगल तो काम कर रहा है, वो कैसे कर रहा है आपको पता है, परंतु उसके साथ में कोई ग्रह यदि बैठ रहा है तो वो कैसे काम कर रहा है, या फिर चीजों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि वो काम कैसे करता है। क्योंकि मंगल क्या है, फाइटर है। फाइटर कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि जहां भी मंगल बैठेगा उस घर के लिए वो फाइट करेगा। अब फाइट जो करता है वो दो प्रकार से करता है, एक या तो वो आर्मी में चला जाए, सेना में चला जाए, उससे वो फाइट करेगा, दूसरा आतंकवादी बनकर फाइट करेगा। समझ रहे हो आप? जैसे मान लीजिए आपका मंगल चौथे में है, ठीक है, आज यदि मंगल यहाँ पीड़ित नहीं है, अच्छी अवस्था में है, तो वह झगड़ेगा, फाइट करेगा, किसके लिए करेगा, अपने घर के लिए करेगा, अपने घर के लोगों के लिए करेगा, अपने मकान के लिए करेगा, गाड़ियों के लिए करेगा, ठीक है। परंतु परंतु यहाँ पे आप यदि देखो तो यदि वहां पे और कोई मैलिफिक प्लैनेट मंगल के साथ आ गए तो यहाँ पे चीजें आपकी बहुत अलग हो जाएंगी। यहाँ वो झगड़े करेगा परंतु वो अलग तरीके से झगड़े करेगा। वो जो झगड़े होंगे वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव तौर पे झगड़े होंगे। वो गाड़ी के लिए नहीं, वो गाड़ी के लिए फाइट करने का मतलब है कि गाड़ी के लिए वो अपनी ऊर्जा को लगाएगा कि गाड़ियां मुझे मिल जाए, मकान मुझे मिल जाए, मुझे घर का सुख मिल जाए। वो पॉजिटिव मंगल है। यदि नेगेटिव मंगल है तो वो घर में लड़ेगा, गाड़ी के लिए लड़ेगा कि गाड़ी क्यों गया, ये हुआ, उसके लिए वो लड़ेगा, ठीक है। अब मंगल की दृष्टि चौथे में मंगल है, तो मंगल की दृष्टि कहाँ जा रही है? जो चौथी दृष्टि है मंगल की वो सातवें में जा रही है। यदि मंगल अच्छा है तो अपनी पत्नी के लिए वो लड़ेगा, यदि मंगल खराब है तो वो अपनी पत्नी से लड़ेगा, ठीक है। ठीक है ना। अब मंगल की आठवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? तो मंगल की आठवीं दृष्टि जाएगी कहाँ? चौथे में मंगल है तो चल जाएगी एकादश पे, 11वें भाव पे दृष्टि चल जाएगी। तो अपने बड़े भाई के लिए लड़ेगा, और यदि मंगल खराब है तो अपने बड़े भाई से लड़ेगा। डिफरेंस है, आप समझ रहे हो कैसे इसे हम डिफरेंट कर रहे हैं? यदि मंगल 10वें में चला जाए, 10th में जो हम बात कर रहे थे, तो मंगल 10वें जाएगा तो फाइट करेगा, किसके लिए करेगा, अपने नेम फेम के लिए करेगा। यदि मंगल वहां पीड़ित हो गया तो अपने गुस्से के कारण वो अपने नेम फेम को खुद नष्ट कर देगा। नेम फेम है और इतना गुस्सा है उसके पास, उसने अपने नेम फेम को खुद नष्ट कर दिया, वो मंगल है। चलिए एक और कुंडली बनाइए आप लोग। मंगल को 7th हाउस में लिखिए, और जो कुंडली होगी लग्न की होगी, 7 लग्न की होगी कुंडली, और इस कुंडली में 7th हाउस में मंगल को लिख दीजिए, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका पाठक जी। आपका प्रश्न जो है वो लग्न में मंगल रहेगा तो वो खुद के लिए लड़ेगा, खुद के लिए लड़ेगा, उसका सेंस क्या है? जो आप बोले खुद के लिए लड़ेगा वो नेगेटिव है,
वो खुद से लड़ेगा वो पॉजिटिव है। जैसे अपनी बुराइयों से वो यदि खुद लड़ रहा है तो वो पॉजिटिव मंगल काम कर रहा है, वो अपने आप को वो ठीक कर रहा है, ठीक करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। और यदि वो खुद के लिए लड़ रहा है, मैं देखो तुमने क्यों बोला, तूने मेरे को क्यों मारा, तो वो यहाँ गलत है, तो यहाँ जो है वो गलत, ठीक है। तुला लगने की कुंडली, सात लगने की कुंडली बनाइए, तुला लगने की कुंडली बनानी है और उसमें मंगल को 7th हाउस में लिखना है। अब यहाँ देखिए मंगल की जो दूसरी दृष्टि है, मंगल 7th में जब बैठेगा तो मंगल की दूसरी जो दृष्टि है वो कहाँ जाएगी, वो 2nd हाउस पे जाएगी। दूसरा भाव क्या है, धन है, परिवार है। अब ये जो व्यक्ति है वो किसके लिए लड़ेगा, अपने परिवार के लिए फाइट करेगा। मंगल एक फाइटर है, जैसे हम जब शुरुआत करते हैं ज्योतिष के तो उसमें पढ़ते हैं ना कि सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, तो मंगल सेनापति फाइटर है। वो फाइट किसके लिए करेगा, अपने परिवार के लिए, पैसे के लिए करेगा, अपने भोजन के लिए करेगा, अपने जीविका, अपनी जीविका के लिए करेगा, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए करेगा, धन के लिए करेगा वो फाइट, ठीक है। यदि मंगल के साथ यदि राहु बैठ गया है या शनि बैठ गया है तो वो अपने परिवार से लड़ेगा। वो यहाँ क्या करेगा, वो अपने परिवार से खुद लड़ेगा। तो ऐसे ही इसे डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि मंगल क्या है, मैलिफिक प्लैनेट है ना, अपनी संस्कार के लिए व्यक्ति लड़ेगा, क्योंकि 2nd भाव से हम संस्कार भी देखते हैं। हाँ, तो 2nd भाव से हम संस्कार भी देखते हैं। हम बात कर रहे हैं पाठक जी, किसी भी इस कुंडली में 7th हाउस में मंगल बैठा है, उसकी 8वीं दृष्टि जो है वो 2nd हाउस पे जा रही है, ठीक है। यदि अच्छे के लिए लड़ेगा तो वो मंगल है, बहुत अच्छा है, उसके उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं। देख जैसे देख लो, आपको यदि आप मंगल को चाहते हो कि मेरा मंगल कैसा है जानना, तो मैं तो यही कहूंगा कुछ करने की आवश्यकता आपको है नहीं। आप सिर्फ इतना कर लो, सिर्फ आप इतना यह कर लो, यदि आप लोगों के लिए लड़ रहे हो तो मंगल आपका अच्छा है, यदि आप लोगों से लड़ रहे हो तो मंगल आपका खराब है। बस जैसे 6ठे भाव में मंगल, ठीक है, 6ठे भाव मंगल क्या है, 6th हाउस में मंगल क्या करेगा, वो 6th हाउस में मंगल क्या करेगा, वो लड़ाएगा। किससे लड़ाएगा, आपके जो 6 प्रकार के शत्रु हैं उससे लड़ाएगा, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद और मत्सर, इससे वो लड़ाएगा आपको अच्छी स्थिति में। यदि वो खराब है तो आप अपने शत्रु से लड़ते फिरोगे। यदि आप बुरे के लिए लड़ रहे हो तो मंगल आपका खराब है, और यदि आप अच्छे के लिए लड़ रहे हो तो मंगल आपका ठीक है। जैसे फिर एक कुंडली बनाइए, ठीक है, कुंडली ए जो होगी उसमें मंगल और बुध को 8वें भाव में 8th हाउस में लिखना है, और जो कुंडली बी होगी उसमें मंगल और राहु को 8th हाउस में लिखना है, और ये जो कुंडली होगी वो वृश्चिक लग्न की कुंडली होगी, 8वीं लग्न की वृश्चिक लग्न की कुंडली होगी, ठीक है। अब कुंडली ए में देखिए कि मंगल के साथ कौन है, बुध है, तो यह जातक क्या करेगा, रिसर्च करेगा, क्या करेगा, यह रिसर्च करेगा, बेहतर करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा, क्योंकि डेवलपमेंट भी 8वां भाव होता है। और यदि कुंडली बी है वो क्या करेगा,
इस जातक के जीवन में नेगेटिव जो रिजल्ट हैं वो ज्यादा प्राप्त होंगे पॉजिटिव के अनुसार। मंगल और राहु एट्थ हाउस में, कुंडली बी में, और कुंडली ए में मंगल और बुध आठवें भाव में, ठीक है। तो कुंडली ए में यह जातक रिसर्च करेगा और कुंडली बी में क्या करेगा, यह जातक नेगेटिव रिजल्ट इसे मिलेंगे क्योंकि वहां राहु बैठा है और साथ में मंगल भी है, दोनों मैलिफिक प्लैनेट है, ठीक है। जैसे जब भी आप कोई ग्रह को देख रहे हो ना, जब भी आप कोई ग्रह को देख रहे हो तो उस ग्रह के साथ पुण्य ग्रह है या पाप ग्रह है, ठीक है, बेनिफिक एसोसिएशन है या फिर मैलिफिक एसोसिएशन है, उसे आपको देखना आवश्यक है। यदि बेनिफिक एसोसिएशन है तो वो ग्रह जब आपको देगा तो अच्छा ही देगा, ठीक है, और यदि मैलिफिक एसोसिएशन है तो वो खराब ही देगा। और उसे खराब को अच्छा कैसे करना है और अच्छे को खराब कैसे करना है वो तो आपको पता है, यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है, ठीक है ना। अब इसे मान लेते हैं, मान लीजिए यदि आपके पंचम भाव में एक कुंडली लेते हैं ना तो उससे समझ पाएंगे हम, ठीक है। इस कुंडली को आप लोग देख रहे हैं तो इस कुंडली में देखिए पांचवे फिफ्थ हाउस में कौन है, शनि है। तो यह जो जातक है जिसकी ये कुंडली है उसकी क्या बुद्धि होगी, बुद्धि उस व्यक्ति की नष्ट रहेगी, अर्थात उस व्यक्ति की बुद्धि जो है वो प्रॉपर उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगी जितने अच्छे से जो बेनिफिक एसोसिएशन का प्रभाव पांचवे भाव पड़ेगा उसकी होगी, उससे खराब स्थिति इसकी रहेगी, ठीक है। इसे समझने के लिए आप कुंडली तैयार कर लीजिए या फिर समझ लीजिए, ठीक है। कुंडली ए में मान लेते हैं हम कि पांचवे भाव में, हाँ कुंडली ए में हम मान लेते हैं कि पांचवे भाव में शनि और राहु बैठे हैं। कुंडली ए में हम पांच मान लेते हैं कि शनि और राहु बैठे हैं फिफ्थ हाउस में, और कुंडली बी में हम मान लेते हैं कि भाई फिफ्थ हाउस में शुक्र और बुध बैठे हैं। किसकी बुद्धि अच्छी है, जिसका शुक्र और बुध है उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। किसकी बुद्धि खराब है, जिसका शनि और राहु बैठा है उसकी बुद्धि खराब है, ठीक है।